दरअसल दिल्ली के शराब घोटाले मामले में ईडी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली के 25 लोकेशन पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है और एक बड़ा एक्शन इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि शराब नीति घोटाले में ये छापेमारी चल रही है। दिल्ली के 25 अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी चल रही है और लगातार ये मामला एक ऐसा है जो आम आदमी पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा था। और अब एक बार फिर ये खबर कि एक साथ 25 जगहों पर ईडी की छापेमारी, ये वही पूरा मामला है शराब नीति घोटाला, जिसमें मनीष सिसोदिया पर तमाम तरह के आरोप जो हैं वो बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे। जब ईडी ने छापेमारी की गलत तरीके से पैसे लेने को लेकर, नई शराब नीति को लेकर कई तरह के सवाल जो हैं वो यहां पर खड़े हुए थे। और अब दिल्ली में एक साथ 25 जगहों पर छापेमारी जो है वो चल रही है। तो दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का एक्शन जो है वो एक बार फिर देखने को मिल रहा है और उसी को लेकर ये बड़ी खबर, कई बड़े कारोबारी जो हैं वो यहां पर शिकंजे में आ सकते हैं। लगातार ईडी जो है वो ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। दिल्ली की शराब नीति मामले में ईडी 25 जगहों पर छापेमारी कर रही है। 150 से ज्यादा लोकेशन पर अब तक ये छापेमारी हो चुकी है और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आपको बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले मामले में अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया है और इस मामले में मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम है दिल्ली के, वो आरोपी है। बीजेपी दिल्ली की शराब नीति को लेकर पहले से ही आप पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल 17 नवंबर 2021 को लागू की गई ये नीति इस साल जुलाई में वापस ले ली गई थी और इसी को लेकर लगातार विरोध जो है वो जारी है। मुनीश हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, कहा जा रहा है कि 25 नए जगहों पर छापेमारी, कुल मिलाकर अब तक 150 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। आज की ये छापेमारी क्यों खास है, कहां कहां एक्शन लिया जा रहा है, कौन कौन से बड़े कारोबारी हैं जो ईडी के निशाने पर हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए शुभंकर, इस मामले में ईडी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और ईडी सूत्रों का यह कहना है कि हाल फिलहाल में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए थे और जिन संदेहास्पद लोगों का बयान दर्ज किया गया था, उन बयानों के आधार पर कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आए थे जो कि सीधे तौर पर दिल्ली के शराब घोटाले में जुड़े हुए थे। और इसी जानकारी को मिलने के बाद में, उसको वेरीफाई करने के बाद में, आज देश की राजधानी दिल्ली में लगभग 25 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। इसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो कि शराब कारोबार में सीधे तौर पर जुड़े हुए थे, दिल्ली सरकार के संपर्क में थे, ऐसे लोगों पर आज छापेमारी चल रही है। जो आपने पहले बताया, देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि चौथी बार जो जो ईडी है उसकी कार्रवाई हो रही है। अब तक लगभग 150 से ज्यादा लोगों पर, ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर चुकी है और ईडी का ये कहना है कि इस मामले में उनको पुख्ता सबूत भी मिल गए हैं और अब इंतजार है तो ईडी को उस बात का कि अब इस मामले में वो गिरफ्तारी शुरू करेंगे। तो बहुत मुमकिन है कि आज की छापेमारी के बाद में कुछ जो बड़े नाम है उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है। ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपके पास हम लौटेंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।